माध्यमिक विद्यालय सर्वे में विगत दिनों भू अभिलेख अधीक्षक आदित्य सोनकिया निरीक्षण के दौरान क्लास 9वीं में विद्यार्थियों को गलत पढ़ा रहे थे, जिसको पत्रकार आरके सोनी ने कवरेज के दौरान वीडियो बना लिया था। वीडियो बना लेने के कारण आदित्य सोनकिया द्वारा पत्रकार के साथ बलपूर्वक मोबाइल छीनने का प्रयास करते हुए अभद्रता की गई। पत्रकार के साथ अमानवीय कृत्य को देखते हुए समस्त पत्रकारों ने जिला कलेक्टर सीलिंग सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर आदित्य सोनकिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त पत्रकार साथी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारे गोरेहार ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आरके सोनी सामना न्यूज रिपोर्टर ने जो सरवई के रहने वाले हैं उसी समय भू अभिलेख अधीक्षक आदित्य सोनकिया भ्रमण के दौरान स्कूल में भ्रमण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तभी स्थानीय न्यूज रिपोर्टर आरके सोनी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए स्कूल का कवरेज कर रहे थे, तो हमारे न्यूज रिपोर्टर ने भू अभिलेख अधीक्षक से परमिशन लेके उनके साथ न्यूज रिपोर्टिंग की। तो उन्होंने बीच में एक स्टार्टिंग में तो पूरा कवरेज हुआ, जब लास्ट में उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी कहीं पे पढ़ाने पे, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो गई। तो उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों से ये इस बात से उनको क्लास से बाहर जाने के लिए बोला कि आप क्लास का कवरेज नहीं कर सकते। तो और एक 3 बार ये शब्द उनके द्वारा दोहराए गए कि आप क्लास से बाहर जाइए। इस संबंध में पत्रकारिता जगत इसमें ये भी तो सुना कि हाथ पकड़ के इनको बाहर निकाल दिया गया था क्लास से। हाँ हाँ, ये हमें भी सूचना मिली है, उनने भी बताया है, वीडियो में भी ये स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने न्यूज रिपोर्टर का हाथ पकड़ के क्लास से बाहर जाने के लिए कहा है। और ये प्रदेश सरकार में अभी हाल ही में हमारे देवेंद्र चतुर्वेदी बमीठा में पत्रकारों के ऊपर पीएनसी कंपनी कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। ये एक चौथा स्तंभ होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका ये समाज में अदा करता है। अगर पत्रकारों के साथ अधिकारियों के द्वारा इस तरह से बदसलूकी की जाएगी तो ये एक चौथा स्तंभ अपने सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, जो एक अवमानना है, और इसको सरकार इस संबंध में सरकार को अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। यदि ऐसे ज्ञापन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या पत्रकार साथी पुनः कुछ नया एक्शन लेंगे या फिर जो है यहीं शांत हो जाएंगे? नहीं, अभी हमने हाल में सभी पत्रकार साथी जुड़ के कलेक्टर छतरपुर के नाम द्वारा पीयूष भट्ट SDM लोकुश नगर को ज्ञापन सौंपा है। यदि 15 दिन के अंदर इनके द्वारा कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती सर्विस बुक में, या फिर उनके द्वारा इस चीज को नहीं माना जाता, भूल नहीं मानी जाती, यदि वो अपनी भूल स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बड़े लेवल पे जिले में कलेक्टर साहब को फिर से ज्ञापन सौंप कर और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की आशा करेंगे। समिति पदस्थापना कलेक्टर महोदय के नियंत्रण में, इसलिए हमने अपनी तरफ से कलेक्टर साहब को निवंतर कार्रवाई किया। आप पावती।